लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि मनाहिल वहाँ पे सो रही हैं। ये इसमें कपड़ा मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैं डालना चाहती हूँ थोड़ा सा सर्फ, ख़त्म ना हो गया और घर में चेक करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आई एम फिज़ा शेख। और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। टाइम हो रहा है रात के 12 बजे का और मैं इस टाइम व्लॉग बनाना स्टार्ट मैंने किया है। बस सारा दिन टाइम ही नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा बिजी डे रहा था। फिर उसके बाद इफ्तार की ना तो आज मुझे नींद आ गई, लेकिन मैं सोई बिल्कुल भी नहीं हूँ। बच्चों के साथ आज बातें करती रही क्योंकि मनाहिल का आज हुआ था मैथ्स का पेपर, तो उसके बाद हम लोग आज थोड़ा सा फ्री थे। आयान का कल जो है वो थोड़ा सा ईजी सा पेपर था इस्लामियत का, तो इस वजह से आयान ने तैयारी कर ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे, रोज़ा खोल के बातें की, थोड़ा सा रिलैक्सिंग का टाइम था। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी सो जाएंगे। आयान को तो मैंने लिटा दिया है सोने के लिए, लेकिन मैं और मनाहिल जो है वो थोड़ा लेट सोएं क्योंकि कल मनाहिल की ऑफ है। तो बस अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मुझे दो दिन से टाइम इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, तो बस अभी मैंने स्टार्ट किया है। और अभी मुझे सबसे ज़रूरी जो काम है वो क्या है, मनाहिल का एक और ड्रेस है, उसको मुझे पानी में भिगो के रखना है। उसकी वजह यह है कि एक और ड्रेस बनाना है, दो तीन लेके आई थी मैं, एक सिला था और अभी एक और ड्रेस बनाना है ताकि वो एक एक करके मैं सिलवा लूँ। तो ये मैंने मनाहिल का ड्रेस निकाला है। असल में लॉन के ना कलर छूटते हैं इसलिए इनको अलग अलग भिगोना पड़ता है, तो इसको सहरी तक भिगो के फिर इसको सूखने डाल दूँगी, फिर उसको भिगो दूँगी और फिर उसके बाद उसको भी सुखा के फिर इसको टेलर को देंगे सिलने के लिए। इसको भिगोना है, लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि मनाहिल वहाँ पे सो रही हैं। और मैं इसको भिगो देती हूँ, इसको टब में भिगोना है। यहाँ रखा था टब मेरा और टेरेस की जो है ना वो मैंने लाइट जलाई हुई रात में क्यों, और वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि ना पूरे घर में असल में लाइट जो है वो थोड़ी सी हल्की सी चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। और आया हूँ वहाँ पर सो रहा है, तो ये मैं यहाँ से किचन से ही इसको टैप से भर लेती हूँ। और मैंने ये बर्तन जो है वो इफ्तार के जो बर्तन है ना वो अभी अभी वॉश किए हैं। और ये चाय का बर्तन है, इसको भी यहीं रख दिया क्योंकि अभी दो घंटे बाद तो हमने सब कुछ करना है। और मैंने इस कपड़े को क्लीन नहीं किया है क्योंकि इसकी वजह ये कि मेरे हाथ पे कट लगे जा रहे हैं, तो अभी दो तीन दिन पहले इधर कट था मेरे और इधर जो है वो चूल्हे की वजह से कट लगा था, उसमें दर्द सही हुआ है, तो यहाँ पर अब इस जगह पर कट लग गया है। तो ये जब मैं कपड़े धो रही हूँ ना तो इससे मुझे मिर्चें बहुत लग रही हैं, घिसता है, तो ये इसमें कपड़ा मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैं डालना चाहती हूँ थोड़ा सा सर्फ, ख़त्म ना हो गया और घर में चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा सर्फ से ना मुझे सही लगता है, थोड़े से क्लीन हो जाते हैं। सर्फ जो है वो ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही भिगो दिया है, तो मंगवाना पड़ेगा, रात हो रही है। मैंने आयान से मंगवा ली थी, आयान भी सो गया है, तो इसको थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा, पानी मुझे कम लग रहा है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है भिगो के, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अब किचन की लाइट भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ सो रहा है, उसके वहाँ पर लाइट आ रही है। और हम भी अंदर चलते हैं और वहाँ
की लाइट ऑन हुई हुई है, टेरेस की मैंने ऑन करके रखी हुई ताकि हल्की फुल्की लाइट आ जाए, और मैंने ग्लोब भी लगाई है। कितना अंधेरा हो रहा है। यहाँ बैठ के आगे नमाज नहीं पढ़ोगे? अच्छा, ये वाला जो कपड़ा है, अब बारी है इसकी, सहरी होने हो गई है और अभी अजान नहीं हुई है। ए भाई, क्या हो गया आप लोगों को? अजीब जंगल का कानून। ए वाला रात को मैंने सहरी में जब भिगोया था तो ये यहाँ पे डाल दिया, अभी अभी डाला है। और नेक्स्ट जो है वो मैंने एक और सूट जो है उसका भी वन पीस मैंने भिगो दिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टिचिंग की बारी आएगी। आयान, टाइम हो रहा है 7:10 है। शरबत खजूर वगैरह पकौड़े मैंने कर लिया है, सब इनको उठाना है। आयान साहब उठिए, इसका पेपर आज हुआ था और अब मनाहे का पेपर है इंशाल्लाह कल। उठिए, उठो जल्दी से, एक सेकंड में उठो। ये आलू और मटर गाजर को मैंने बॉईल करके रख दिया नहीं है, ले आई हूँ यहाँ पे। और अब इसमें क्रीम डलेगी और मायनीज थोड़ा सा ऐड करूँगी तो ये अच्छी सी सैलेड बन जाएगी। मेरी सैलेड बनाने का मूड है मेरा आज। और ना साथ में इसके हैं बर्गर, कटलेट हमने बनाए हुए थे उसके मैं बना रही हूँ बर्गर, और साथ में खजूर और शरबत इफ्तार में आज हम लोग ये खाएँगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और क्रीम ऐड कर लेते हैं। ये आप तो इसमें नहीं डालना चाहिए। ये रख क्या हो वापस किचन में कर। मई ना पतला क्यों? ये ऑलपर्स की क्रीम थोड़ी सी ऐसी होती है। गलत बात। अच्छा, ये इतना ऑयली क्यों किया हुआ है? मैं इसमें से हरगिज नहीं डालूंगी। मैं इससे पकौड़े खा रहा हूँ तो मैं पहले एक पकौड़ा खाता हूँ, फिर मैं मुझे ये याद आता है, फिर मैं फिर निकाल ही लाता हूँ। वही चीज़ मुझे बहुत ऑयली लगा, इतना गंदा। आ रहा हूँ। मैं चीनी नहीं डालनी, काली मिर्च लेके आओ। मैं चीनी है। चुप हो जाओ, आपसे नहीं पता। पंखा बंद कर दो। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मम्मा असल में जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स वाली सलाद बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है? उस दिन जो खाई थी वो क्या थी? वो किसने बनाई थी? आपने बनाई थी? हाँ सही है, आपको मिलेगी नहीं अब। माँ ये भी तो मैंने कहा था, जैसे फ्रूट वगैरह वो फ्रूट क्या सब्जियाँ। हाँ सब कुछ आपने किया था, हमने तो सब खाया था।
और पता है क्या, अब रोजे का टाइम है, मैं आपको एक बात बताऊँ, रोजे का टाइम है और खुर्रम तो चले गए, लेकिन उनके लिए रखनी है मुझे, लेकिन रखने का दिल नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अभी रोजा और कुछ भी नहीं खाया हुआ। पापा तो चले जा रही हैं, बहुत ज्यादा लगे अब, बंद करो। मकई मार दिया, किसने गिरा? अपने खुद, ये तो काफी डाल दिया था, ये रहने देखिए। मैंने वो क्रीम तारा मीठा हो जाएगा जब खाओगे ना, तो मैं दूंगी नहीं। तो भी खाऊंगा कैसे, जब खाओगे तो दूंगी नहीं। ठंडा क्यों नहीं हुआ? आज मनाएगी तो अभी रोजा ही समझो, रोजा जैसे होगा। इसको मिक्स कर लो हल्का हल्का से, जब भी शुगर ना मिक्स नहीं हुई इसको देर हो गई। ये इसके साथ खाओ मिला के, और जूस भी पियो, शरबत जूस कर दिया। आपने के बड़े जूस और समझे था, अब मेरे बड़े जूस तो गए हैं। नीचे गिर रहा,